मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रवीण निकोला सर। आई एम एमडी मारूफ। आई एम मोहम्मद अमित जवान। हेलो दोस्तों, मैं यहाँ जमशेदपुर में टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्ट्रूमेंटेशन का करने आया हूँ। यहाँ पर मैं सर एक पुश बटन का कनेक्शन करने के लिए दिया है, सो हम ये कनेक्शन करने जा रहे हैं। वो सीरीज में होगा या पैरेलल में, मैं देखता हूँ उसको। आज हम पैरेलल में 3 पुश बटन का कनेक्शन करके एक मोटर को ऑन करने वाले हैं। किसी भी एक बटन को दबाएंगे मोटर ऑन हो जाना चाहिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, जो कि निकोलस भाई इसको परफॉर्म करके आपको दिखाएंगे। चलिए आइए दोस्तों, प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे हम लोग 3 NO स्विच का पुश बटन का यूज किया हुआ है। इसको NO स्विच भी बोलते हैं। स्विच में 2 तरीके का आता है, एक NO स्विच होता है, एक NC होता है, जो कि नॉर्मली जब कनेक्शन इस पे दिया जाएगा तो NO स्विच पे बटन दबाने पे सर्किट बनेगा, यानी ये ऑलरेडी सर्किट ब्रेक रहता है तो बटन दबाने पे ये सर्किट बनेगा NO स्विच। NC का वैसा वैसा रहता है। चलिए आज हम प्रैक्टिकल पे देखते हैं इसका पैरेलली कनेक्शन कैसा होता है। तो हम यहाँ पे ऑपरेटर्स यूज किए हुए हैं, 24 वोल्ट DC पावर सप्लाई लिया हुआ है, 3 NO स्विच लिया हुआ है और एक DC मोटर लिया हुआ है और कनेक्टिंग प्रोब्स लिया हुआ है। चलिए अब हम देखते हैं पैरेलली कनेक्शन कैसा किया जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पावर सप्लाई 24 वोल्ट DC को मेन सप्लाई पे कनेक्ट कर दिया है, उसको स्विच ऑन कर। अभी हम पॉजिटिव टर्मिनल यानी कि 24 वोल्ट DC पावर सप्लाई जो है इसका पॉजिटिव टर्मिनल से स्विच का इन टर्मिनल पे हम कनेक्शन दे रहे हैं। तो यही इन टर्मिनल से फर्स्ट स्विच से जा रहा है, सेकेंड स्विच इन टर्मिनल पर जाएगा और ये जो आउट टर्मिनल इन टर्मिनल से ही तीसरा वाला इन टर्मिनल पे आएगा। दोस्तों याद रख लेना, जब भी पैरेलली कनेक्शन होता है या सीरीज कनेक्शन होता है, हमारा कनेक्शन ऐसा होता है, पैरेलल का माना पॉजिटिव टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव टू नेगेटिव कनेक्शन किया जाता है, और सीरीज पे हमारा कनेक्शन होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो अभी ये आउट टर्मिनल से ये पुश बटन से हम दे रहे हैं दूसरा वाला पुश बटन से, अभी यही आउट टर्मिनल से हम दे रहे हैं ये वाला पुश बटन से। अभी हमारा सर्किट बना नहीं हुआ है क्योंकि हमने मोटर को कनेक्ट नहीं किया हुआ है, तो हम लोग मोटर कनेक्ट कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ से हम लोग ऑलरेडी पॉजिटिव ले चुके हैं, तो इसका कंफ्यूजन ये ना रखिए हम पॉजिटिव का डालें या नेगेटिव का डालें। ये नेगेटिव डालने पर ये घूमेगा, ये पॉजिटिव डालने पर भी ये घूमेगा, लेकिन आपका नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। तो पॉजिटिव रिजल्ट के लिए हम क्या करते हैं, इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है 24 वोल्ट DC पावर सप्लाई में लगा देंगे, और ये जो टर्मिनल है पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ से जो आउट टर्मिनल आ रहा है तो यहाँ पे हम कनेक्ट कर देते हैं ऑन कीजिए। तो अभी 24 वोल्ट DC पावर सप्लाई को हमने ऑन कर दिया है, तो हमारा टास्क था किसी एक स्विच को पुश बटन को दबाने पर मोटर चालू होना चाहिए। तो मैं ये NO स्विच का एक पुश बटन पुश कर रहा हूँ, उसके बाद देखते हैं मोटर ऑन हो रहा है या नहीं। देखिए दोस्तों, ये मोटर अभी घूमने लगा है, आपका आवाज भी सुनाई दे रहा है। अभी दूसरा मोटर चेक करते हैं। देखिए यानी इसका पैरेलली जो कनेक्शन किया हुआ है, तो जब ये वाला बटन हम दाबेंगे, ये वाला बटन दाबने पे ये और ये सर्किट बन जाता है, ये दोनों का दोनों खुला ही रहता है। जब बीच वाला का बटन हम दबा दे रहे हैं तो ये वाला खुला रहेगा, ये वाला खुला रहेगा, ये और ये सर्किट बन जाता है, कांटेक्ट पे आ जाता है। तो ये रहा आज का प्रैक्टिकल NO स्विच के बारे में, पुश बटन के स्विच के बारे में पैरेलल कनेक्शन हम दिखा दिए। चलो दोस्तों, और बहुत सारा वीडियोस पे हम आगे देखने वाले कनेक्शंस कैसा होगा। थैंक यू सो मच। आइए मैं आपको बताता हूँ कि इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में कौन कौन सा ट्रेनिंग कराया जाता है। इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में बहुत सारे स्टूडेंट्स जैसे कि मैट्रिक, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, BE, BTech के क्वालिफिकेशन को देखते हुए बहुत सारे
शॉर्ट टर्म सर्टिफाइड ट्रेनिंग कराया जाता है, जैसे कि PLC एंड स्काडा प्रोग्रामिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड ऑटोमेशन इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियर, इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, फायर अलार्म टेक्नीशियन, HVAC इंजीनियर, HVAC टेक्नीशियन, BMS टेक्नीशियन, BMS ऑपरेटर, CCTV टेक्नीशियन, CCTV ऑपरेटर, इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैकेनिकल इंजीनियर, मैकेनिकल टेक्नीशियन, मैकेनिकल फिटर, वेल्डर, लैंड सर्वेयर, सिविल फोरमैन, ऑटोकैड ड्राफ्ट्समैन, क्रेन ऑपरेटर, एक्सकवेटर ऑपरेटर एंड JCB ऑपरेटर। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप ट्रेनिंग से रिलेटेड और ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का लैब आपको बेहद पसंद आया होगा। और मैं ये भी बता दूं कि इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जिस भी ट्रेड में ट्रेनिंग दिया जाता है उसका भी लैब बहुत अच्छे से सेटअप किया गया है, क्योंकि इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में 100% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दिया जाता है, जो यहाँ के स्टूडेंट्स को स्किल्ड और कॉम्पिटेंट बनाता है, जिसके बिना पर यहाँ के स्टूडेंट कॉन्फिडेंटली किसी भी कंपनी में जाकर इंटरव्यू देते हैं और इंडिविजुअली एंड इंडिपेंडेंटली काम करते हैं और एक सक्सेसफुल लाइफ गुजारते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप अपने कैरियर को लेकर चिंतित हैं और जॉब के लिए परेशान हैं, तो आइए आपको हम ट्रेनिंग देकर जॉब करने के लायक बनाएंगे। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, आप सभी का ये अधिकार है कि आप एक कामयाब जिंदगी गुजारें। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि कामयाब जिंदगी गुजारने के लिए आपके पास एक अच्छे जॉब का होना बहुत जरूरी है। और आज के इस कॉम्पिटेटिव टेक्निकल दुनिया में आपको जॉब तभी मिलेगा जब आपके पास टेक्निकल नॉलेज होगा। तो आइए आपको हम टेक्निकल ट्रेनिंग देकर जॉब करने के लायक बनाएंगे। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपके पास स्किल होगा तो आपको जॉब डेफिनेटली मिलेगा। तो आइए काम सीखें और देश विदेश में नौकरी पाएं। तो इस वीडियो के आखिर में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, और अगर हमारे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर ले, ताकि कोई भी जॉब से रिलेटेड या ट्रेनिंग से रिलेटेड वीडियो अपलोड होने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि ये वीडियो हर जरूरतमंद तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।